आज किस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कैसे आप लोग किसी भी वॉल टैप का फोटोज़ और वीडियोस को वापस लेकर के आ सकते हो। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि मेरे फोटोज़ नहीं आ रहे, मेरे वीडियोस नहीं आ रहे, मुझे इस ऐप का नहीं आ रहा, उस ऐप का नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो मुझे कमेंट में सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपको फाइल मैनेजर यहाँ पर सर्च करना है। फाइल मैनेजर सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फाइल मैनेजर आएंगे, उसमें कौन सा आपको डाउनलोड करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फाइल मैनेजर आ गए हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक MI लिख करके आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो MI लिख कर आएगा, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग करने होंगे। पहले आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, साइड में आपको शो कर रहा होगा, आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक आइकन को ओपन करना होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ब्लू आइकन ओपन है, अगर ये पहले से ओपन रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आपको इसे ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर रखा है पहले से, इसलिए हमारे यहाँ पर पहले से ही ओपन है, ठीक है। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ फाइल का ऑप्शन शो करा होगा, फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फाइल ढूंढना पड़ेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको हाइडेक्स फाइल आपको शो कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी फाइल में आपको मिले, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं। इसमें आपको एक काम कीजिएगा, एंड्रॉयड वाले में भी जा करके एक बार चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड वाले में भी आप एक बार 2 बार 3 बार जा करके देख लेंगे सारे फोल्डर्स में, और भी बहुत सारे जो फोल्डर्स जिस पर आपको लगे कि इसमें देख लेना चाहिए, DCIM है, उस सब में देख लीजिएगा। अगर उस समय आपको लगेगा तो आप उसमें जाकर के बस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे ओपन करते हैं, जब तक जैसे हमको इस पर क्लिक करेंगे सिंपली तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो और भी फाइल्स वगैरह हैं, आप जो चाहे वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी ओपन कर सकते हैं। ओपन करके अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक एंड्रॉयड का है, देख सकते हो आप फोल्डर, इस एंड्रॉयड के ऑप्शन को भी आप ओपन कर सकते हो। ओपन करके यहाँ पे जो भी जितने फाइल हैं इन सारे को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको शो कर देंगे होगा, तो ये सब में आपको OBB वगैरह में आपको एक बार चेक कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको हाइडेक्स को पहले ओपन करते हैं, फिर बताते हैं कैसे आप फोटोज़ और वीडियोज़ को वापस लेकर के आओगे। तो सिंपली हमको ओपन करना है, इस पर सेकंड वाले पे क्लिक करना, और यहाँ पे हमें क्लिक करते जाना है लगातार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक फोल्डर फोटोज़ और वीडियोस का यहाँ पे जो फोल्डर होगा यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक किया रहना है और इसको रीनेम करना है। सिंपली इस पर क्लिक किया रहना है और उसके बाद जो रीनेम का ऑप्शन आएगा तो उसमें लास्ट में हाइडेक्स आएगा, तो हाइडेक्स को आपको कट कर देना है, ठीक है। उसके पहले एक डॉट आएगा, तो डॉट को नहीं कट करना, डॉट को रहने देना है। उसके बाद PNG या फिर JPG, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या PNG लिख सकते हो या फिर JPG लिख सकते हो, आपके मूड के ऊपर है, जैसा आप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे PNG लिखता हूँ तो आप लोग PNG ही लिखना, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे हाइडेक्स को मैंने कट कर दिया, डॉट को नहीं कट करना है, और वहाँ पे PNG लिख करके ओके पे क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे फोटोज़ को होंगे तो वो वापस आ जाएंगे। वीडियोस में अगर आप ऑप्शन आएगा, अगर वीडियोस होगा, यहाँ पर हमारे नीचे में एक वीडियोस भी है, उसको हम लोग ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, MP4 पे हाइडेक्स कट करना है और MP4 वहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने PNG डाल दिया, PNG के बाद हमें यहाँ पे हाइडेक्स हटा करके यहाँ पर आपको MP4 डाल देना। तो ये हमारे इनक्रप्ट फाइल होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे कुछ नहीं करना है, उसके बाद यहाँ से आप सीधा मूव करके आप अपने गैलरी में पेस्ट कर सकते हो, इंटरनल स्टोरेज वगैरह में डाल सकते हो। इस फाइल से आप डायरेक्ट आपको इंटरनल स्टोरेज में चला जाएगा, यहीं पर रहने देंगे तो फिर आपकी गैलरी में नहीं शो करेगा, फिर आप बोलेंगे कि मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे नहीं शो कर रहा, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। अगर और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने दूसरे फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैंने मूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर सबको रीनेम कर देंगे। तो इसी तरीके से मैंने आप भी आप लोग मूव कर सकते हो, मूव करके अपने इंटरनल स्टोरेज में जाकर जाकर आप पेस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम लोग किसी न्यू वीडियो में।